बधाई हो अंधाधुन की अंधाधुन कामयाबी के। थैंक यू सो मच। अब हम बधाइयों की बात कर लेते हैं जी। बधाई हो में काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और नीना जी के साथ खासतौर पर? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा क्योंकि हर एक जो फिल्म आप करते हैं उसमें कुछ सीख कर जाते हैं एंड इन दिस फिल्म अमित शर्मा के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा बिकॉज ही इज़ सच अ वर्सटाइल एक्टर। वो खुद भी एक्टर बहुत अच्छे हैं, वे करके दिखाते हैं, रेफरेंस बहुत करेक्ट देते हैं, उनकी स्क्रिप्शंस काफ़ी अच्छी है। ही इज़ वेरी गुड विद एक्टर्स पर से। एंड नीना जी के साथ काम करके इसलिए और अच्छा लगा क्योंकि बहुत दिनों बाद आप नीना जी को देखेंगे नए अवतार में, क्योंकि ऐसी छवि उनकी कभी आपने देखी नहीं होगी। इट्स लाइक हर री इन्वेंशन and she's like the lead of the film, the female lead of the film, along with Gajraj ji. दोनों protagonists हैं हमारी film के, क्योंकि story revolve pregnancy पर है, फिर एक मेरा point of view है कि हम कैसे react करते हैं बच्चे माँ की pregnancy को लेकर। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत awkwardness है और embarrassing moments जो middle class situation में हो सकते हैं वो है इस film के अंदर। मीना जी, आपको हम बहुत ज़्यादा देखना चाहते हैं लेकिन आप बहुत कम नज़र आते हैं हमें स्क्रीन पर, और इस फिल्म में आपको देखकर वाकई बहुत अच्छा लगा। मैं तो उस जमाने की भी बात करूँगी जब आप केतकी के रोल में टीवी पर। ओह माय गॉड, आपको केतकी याद है? बिल्कुल याद है। और तो इस फिल्म में, क्योंकि फिल्म आप ही के इर्द गिर्द घूम रही है, हम इसके ट्रेलर देख रहे हैं, बहुत ही उम्दा नज़र आ रहे हैं, बहुत ही दिलचस्प नज़र आ रहे हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस उम्र में होने वाली माँ का किरदार करने वाला? अच्छा था, रोल बहुत अच्छा था मेरा और करने में भी मज़ा आया। साथ में एक्टर्स अच्छे थे, डायरेक्टर अच्छा था, मतलब सब कुछ ही टचवुड अच्छा था। बहुत मज़ा आया और मैंने बहुत, मुझे लगता है मेरी लाइफ का एज एन एक्टर बेस्ट एक्सपीरियंस ये रहा। अभी तक मैंने जितना भी काम किया है, बहुत प्रकार का काम किया है, लेकिन ये सबसे अच्छा रहा, सबसे मज़ेदार और फुलफिलिंग रहा। लेकर आया इसके लिए आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? नया कॉन्सेप्ट मूवी का होना ज़रूरी होता है क्योंकि आजकल कुछ वनीला नहीं बिकता है, सब कुछ कुछ अलग करना आपको ज़रूरी होता है बिकॉज डिजिटल मीडियम पे भी काफ़ी आपको नए कॉन्सेप्ट नज़र आते हैं। सो टू बी क्लटर ब्रेकिंग और समथिंग टू डू समथिंग डिफरेंट, आपको मतलब अगर आप चाहते हैं कि लोग पैसा खर्चे सिनेमा में घुसें तो यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। तो आई थिंक ये एक अच्छी बात है कि प्रोग्रेसिव सिनेमा के हम पार्ट हैं, एक कंटेंट अच्छा जनरेट कर रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। आयुष्मान, तो सर जैसे कि ये आजकल कंटेंट बेस्ड मूवीज़ ज़्यादा चल रही हैं, हम सभी देख रहे हैं, तो आपको लगता है ये मूवी जो बाकी कंटेंट बेस्ड मूवी है इसको कंपटीशन दे सकती है? आई थिंक बाकी कंटेंट बेस्ड मूवी को कंपटीशन, मतलब मैं समझा नहीं, आई थिंक कंपटीशन हर एक मूवी का अपने साथ ही होता है क्योंकि आप अपने जॉनर में अगर ट्रू हैं या फिर एंटरटेनिंग है, साथ में कुछ कहना भी चाहते हैं, सो आई थिंक आपको किसी से कंपटीशन वाली बात नहीं होती है। एंड वी आर जस्ट कॉन्फिडेंट दैट आवर फिल्म विल डू वेल क्योंकि हमारी खास प्रोडक्ट अच्छा है, स्क्रिप्ट अच्छी है, एक्टर्स अच्छे हैं, डायरेक्टर बहुत कमाल के हैं, सो आई थिंक वी गॉट अ वेरी गुड प्रोडक्ट। आयुष्मान, आप बहुत बेहतरीन सिंगर भी हैं, तो इस मूवी में आपने कोई गाना गाया? एक गाना गाया मैंने, नैना जोड़ी, जो एक बिटर स्वीट दो लाइनें और कुमार ने इसके लिरिक्स लिखे हैं। तेरे बिन सांस ना ले मेरे दिन रात, खाली खाली लगते हैं लकीरों वाले हाथ, साथ मेरे चलते चलते है, साथ मेरे चलते चलते रास्ते न मोड़ी, नैन न जोड़ी किते नैन न जोड़ी। Thank you. Hi everyone. Ayushmann, I personally feel you yeah. are on some journey. Yeah. If I talk about your film choices, be yeah. it Wicked Honor, then Dam Laga Ke Haisha, then SMS, and then this is Badhaai Ho. So these type of concepts, you choose personally, or the scripts like these come to you? I think it's both ways. You start treading a journey since your first film, and I started treading an unconventional journey with unconventional roles. And I got attracted to these films, these scripts got attracted to me. And I make it a point to choose a script which is very different, very novel, out of the box, and has no reference point in Hindi cinema. And I just want to have the best script choices. I don't know, I'm glad they're working also at the same time, because you go with your own gut, own intuition, it may go wrong also at the same time. So I've learned a lot in these 6 years. इशू जिसको आप टच कर रहे हैं, कहाँ से आपको ख्याल आया कि ऐसी स्टोरी भी बनाई जाए जहाँ पर आप 40 प्लस लोग जो है उनके कि वो रोमांस नहीं कर पाते, रोमांस करना चाहते हैं तो बहुत सारी बंदिशें होती हैं, उनको टच करने जा रहे हैं, तो ये आइडिया कैसे आया? ये आइडिया एक्चुअली अक्षत डिल्डियाल करके जो हमारे राइटर हैं,
उसका आइडिया है जो बेसिकली उसने एक एड फिल्म के लिए लिखा था 2012 में. वो क्लाइंट को कभी प्रेजेंट ही नहीं हुआ, तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि वो कभी क्लाइंट को प्रेजेंट नहीं हुआ उस टाइम. तो 2015 में फिर अक्षत और शांतनु ने मेरे को वन लाइन आइडिया सुनाया, और वन लाइन आइडिया उतना ही था कि 51-year-old मदर गेटिंग प्रेग्नेंट. तो मैंने कहा इसमें कुछ नया है, कुछ अच्छा है, और एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बात नहीं हुई है, तो ये इसके ऊपर कन्फर्म फिल्म बननी चाहिए. तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई. और राइटिंग प्रोसेस लंबा था क्योंकि एक ऐसी फिल्म बनाना चाहते थे जो वल्गर ना हो. प्रेगनेंसी के ऊपर बात हो रही है, ओल्डर पेरेंट्स प्रेगनेंसी की बात हो रही है, तो ऐसी फिल्म बनाएं जो सीरियस फिल्म ना हो, क्योंकि सीरियस फिल्म जैसी कोई इसके अंदर हम सीरियस बनाई जा सकती है लेकिन सीरियस बनानी नहीं थी हमारे को. एक हंसी में जो आप चीज़ बोल के निकल जाते हैं वैसा कुछ करना था. तो कीपिंग ऑल दोज थिंग्स इन माइंड, एक पौने दो साल का हमारा राइटिंग प्रोसेस था जो ऐसा होता था कि वो आते थे लिख के कुछ सुनाते थे, तो मैं कुछ चीज़ें उनकी रख लेता था, कुछ चीज़ें बोलता था नहीं ये वर्क नहीं कर रही हैं, तो उस तरह से चलता रहा एक प्रोसेस था. और क्योंकि इसके बारे में हमने सुना नहीं था, पहले ही होती थी ऐसी चीज़ें जहाँ पर मेरी दादी और मेरे घर में मेरी दादी और मेरी दादी की मदर सेम टाइम पे प्रेग्नेंट थी. उसके घर में भी ऐसे ही हुआ था अक्षत के घर में कि उसकी नानी प्रेग्नेंट थी और उनकी मम्मी को किसी पड़ोसी ने आके बोला था बेटा मम्मी का ध्यान रखना. तो पहले ऐसी चीज़ें होती थी लेकिन अभी सुनने में नहीं आती. लेकिन जब ट्रेलर हमारा रिलीज़ हुआ तो ढेर सारे कॉल्स आए, मैसेजेस आए कि अरे ये तो हमारे घर की कहानी है. अभी मेरी बुआ ने अभी एक प्रेग्नेंट हुई थी मेरी बुआ. हम लोग अभी अहमदाबाद में गए थे तो वहाँ पे किसी ने बताया कि 60 इयर्स की उनके हस्बैंड हैं एंड जो वाइफ हैं अराउंड 53 इयर्स ओल्ड हैं और उन्होंने अभी अभी डिलीवर किया. तो होता है ऐसा लेकिन अभी इसके बारे में कोई बात नहीं करता. तो उसी एम्बैरेसमेंट की कहानी है ये कि बच्चों के साथ में क्या होता है जब मम्मी और पापा अगर प्रेग्नेंट हो जाए तो क्या होगा, यू नो. सो अगर पेरेंट्स गेट्स प्रेग्नेंट देन व्हाट हैपेंस. तो उसी एम्बैरेसमेंट को लेके एक फनी वे में कहानी बोल दी है. साथ में ये भी बोलना चाह रहे हैं कि अगर मम्मी पापा में आपस में अभी भी प्यार है तो क्या बुरा उसके. सो इट्स ऑल अबाउट मूविंग द नो. हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि 50 साल की उम्र के अंदर बच्चा करिए ही करिए, ऐसा नहीं बोल रहे हैं हम आपको. बट अगर ऐसा कुछ हो गया है घर में तो उससे भागिन अगर तो बाकी आपको पिक्चर में देखने को मिलेगा जो आप देखेंगी. बट एट द सेम टाइम हम कुछ प्रीची सब्जेक्ट नहीं कर रहे हैं कि आपको प्रीच नहीं कर रहे हैं कि आपको ऐसा ही करना चाहिए. एक माँ बाप में अगर प्यार अभी भी है 50 साल की उम्र में तो उसमें कुछ बुरा नहीं है, कुछ उसमें गलत नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि अनयूजुअल हो रहा है. अपने हस्बैंड से ही आपको बच्चा हो रहा है, कुछ ऐसा नहीं है कि पड़ोसी का बच्चा है तो प्रॉब्लम होती है. तो वो सब चीज़ें हैं. और एक इमोशनल कहानी है क्योंकि एक जब फैमिली की बात आती है तो इमोशन साथ में जुड़े होते हैं. दादी है, एक और छोटा भाई है, नकुल की गर्लफ्रेंड है सान्या रहने है उसका नाम फिल्म में, उसका भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू है जो बोल रही है कि क्या प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर. एंड वो भी बोल रहे हैं कि तेरी मम्मी के साथ में ऐसा होता तो तेरे को पता चलता. तो हर किसी का अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है फिल्म का. तो ये है अमित सर, कोई मेकिंग के बाद कोई सेंसर बोर्ड की तरफ से कोई डिफिकल्टी फेस होती हो? ऐसा कुछ था नहीं फिल्म के अंदर जिससे कि डिफ़िकल्टी हमारे को आती, क्योंकि बहुत ही साफ़ सुथरी फिल्म है, पारिवारिक फिल्म है. ऐसी फिल्म है जो आप अपने बच्चों के साथ में जाकर देख सकते हैं, अपने मम्मी पापा को लेके जा सकते हैं फिल्म दिखाने के लिए, क्योंकि उनको भी मज़ा आएगा बिकॉज देयर इज समथिंग ओल्डर जनरेशन स्टिल इन लव. क्योंकि हमारा क्या होता है ना, अभी सोशल मीडिया लाइफ है अभी, जहाँ पर हर कोई सेल्फी खींच रहा है या हर कोई मैसेज करता है तो स्माइली भेजने की जगह पे वो हा हा लिखने की बजाय आजकल स्माइली लोग भेज देते हैं. तो वहाँ पर कुछ प्यार मोहब्बत की बात हो रही है तो सब चीज़ें हो रही हैं, तो उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा. पारिवारिक फिल्म है, इसमें ऐसा कुछ सेंसर का प्रॉब्लम नहीं होगा. सर फाइनल क्वेश्चन टू एवरीवन, मी टू मूवमेंट हैज़ बीन इंटेंसिफाइड इन इफ आई टॉक अबाउट पास्ट वन वीक और टू, मेनी बिग नेम्स हैव कम अप. सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट मी टू मूवमेंट एवरीवन? व्हाट यू पर्सनली फील अबाउट दिस मूवमेंट? मुझे लगता है कि अच्छा मूवमेंट है और लॉन्ग ड्यू था. और जैसे हम लोग हर 6 महीने साल भर में घर में पेस्ट कंट्रोल कराते हैं, उसी तरह से सोसाइटी का भी पेस्ट कंट्रोल होना चाहिए. और ये सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री की प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ऐसा लगता है ये पूरी सोसाइटी में ये बीमारी है. ये
न्यूज़ नेटवर्क में भी है, प्रेस में है, मेडिकल फटर्निटी में है, एजुकेशन में है. तो ये मुझे लगता है कि ये जो अभी चीज़ हो रही है, जिस तरह से महिलाएं और लड़कियां आ रही हैं आगे, उससे लगता है कि ऐसी हरकत करने से पहले कोई आदमी अभी 10, 20, 50 बार सोचेगा. कि अभी तक ऐसा था कि कोई आवाज़ लगाता नहीं, कोई बोलता नहीं है. और क्योंकि बचपन से सिखाया गया होता है, बचपन में जब छोटी बच्ची बोलती है कि मेरे साथ ये मिसबिहेव हुआ, अंकल ने किया या किसी रिलेटिव ने किया, तो पेरेंट्स उसको जानकर भी अनजान बन जाते हैं, कारपेट के नीचे दबा देते हैं उस इन्फॉर्मेशन को कि परिवार टूट जाएगा, समाज में क्या इज्जत रहेगी. तो वो जो बच्ची है उसी के अंडर ट्रेंड होती है, उसको लगता है कि हाँ नहीं बोलना है, ये शर्मिंदगी की बात है. बच्चों को अगर बचपन से ही अगर आप बताएं अपनी बेटी को और बेटे को, क्योंकि बच्चों के साथ भी, लड़कों के साथ भी सेक्सुअल मिसबिहेव होता है, कि आपके साथ ऐसा हुआ तो तुरंत बताइए और हम स्टैंड लेंगे. तो वो बच्ची जब ऐसा होगा तो फिर वो जब 18, 20, 24 साल की होगी और काम करने जाएगी तो वो रिएक्ट करेगी तुरंत से. आयुष्मान, कहीं ना कहीं आपको लगता है बॉलीवुड की इमेज को हैम्पर किया है? आई थिंक इट्स एवरीवेयर, नॉट जस्ट बॉलीवुड, इट्स एवरीवेयर. इज दैट पीपल हु इन पब्लिक आई, दे विल बी अफेक्टेड द मोस्ट बिकॉज दे हैव ट्रांसग्रेस्ड. एंड वी हैव ऑलवेज witnessed a very warped patriarchal society since time immemorial. And this is the, it was high time, it should have happened. And it takes a lot of courage for a woman to come up with such, with anything which has happened to her in the past. But having said that, equal opportunity should be given to both the parties to prove their innocence and prove their stand. But overall, it's a good movement. Thank you. Thank you. Thank you.